वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन डेवलपर गुरुजी। दोस्तों, मैं आज आपके लिए करने के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये कुछ डिफ़िकल्ट हैं और ये बड़ी परीक्षाओं में एसएससी जो कराती है रेलवे की, और एमबीए, और जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, और जैसे एलआईसी का परीक्षा है, और जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, √6 + √6 + √6, और ये जो होगा ये अनंत तक, इनफाइनाइट तक, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो किस प्रकार निकलेगी। हमने सपोज ये x मान लिया, x बराबर, तो यदि हम इस एक को छोड़ भी देंगे तो ये पूरा क्या होगा, ये पूरा x होगा। तो क्या होगा इसका हल, x बराबर √6 + x, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि अनंत तक है। यदि हमने एक छोड़ा तो +√6 + √6 इस प्रकार होगा, और इसका वर्ग करो, वर्ग करने पर ये एक्स स्क्वायर होगा, और इसका क्या होगा, इसका रूट ख़त्म हो जाएगा, और रूट ख़त्म होने के बाद क्या होगा, 6 + x। इन दोनों को एक साइड ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 = 0। अब इसके गुणनखंड करो, गुणनखंड किस प्रकार होंगे, गुणनखंड होंगे त्रिपदीय विधि से। त्रिपदीय विधि क्या होगी, 6 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका अंतर ये संख्या हो जाए। यहाँ संख्या कुछ नहीं आया, एक है, तो 6 के ऐसे टुकड़े करो जिनका अंतर एक हो। देखो, बाद में माइनस है तो टुकड़ों का अंतर होगा, बाद में प्लस होता है तो टुकड़ों का योग होता है। यहाँ बाद में माइनस है तो टुकड़ों का अंतर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 के टुकड़े होंगे, 3 × 2 = 6, 3 में से 2 गए, 1 बचा, तो −3x + 2x − 6, 2 के जोड़े बने, ये क्या कॉमन, एक्स, तो एक्स माइनस 3, यहाँ +2 कॉमन, 2 बाहर आ गया, 6 में से 2 बाहर गए, तो 2 × 6, ये दोनों देखो, दोनों जो पेयर हैं एक्स माइनस 3 ये बराबर हैं यहाँ से, तो इनमें से बाहर लिया एक्स माइनस 3, और यहाँ बचा एक्स, और यहाँ बचा +2 = 0। तो जब एक्स माइनस 3 बराबर 0 तो एक्स की वैल्यू क्या हुई, 3, और जब एक्स +2 = 0 तो एक्स की वैल्यू क्या हुई, −2। तो आंसर क्या आया, आंसर आया +3। क्वेश्चन ये दो ही सेकंड का, आसान सिंपल। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को करने का कोई विशेष मेथड नहीं है कि भाई कोई अलग इसका मेथड होगा, ये तो सोचने की बात है किसका क्या मेथड होगा। भैया तो इसके टुकड़े करो, या इसमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो उसे बाहर निकाल लो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका पूर्ण वर्ग नहीं कोई वो संख्या है, ना इस संख्या कोई पूर्ण वर्ग है, 44 को कहेंगे पूर्ण वर्ग, लिख सकते हैं 12 का, 12 × 12 = 144। तो हम क्या करेंगे, √248 + √52 + इसका क्या आया, इसका आ गया 12 का स्क्वायर। जब रूट के अंदर स्क्वायर होगा तो रूट से संख्या बाहर आ जाएगी, तो क्या हुआ, 248 + √52, 12 आ गया। अब ये 12 52 के साथ मिला तो क्या संख्या बनी, ये बन गया 64। 64 कहे का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर, 8 × 64, तो इस रूट में से 8 बाहर निकला, 248 + 8 = 64, ये 8 इसमें जुड़ा, 8 × 8 = 16, 6 आंसर को 1 × 4 = 5, ये 256 बना, 256 कहीं का स्क्वायर है, 256
16 का स्क्वायर, 16 की 16 में गुना 256, तुम्हारा डी पार्ट सही है। क्वेश्चन देखो अगला। एक बात आज आपको ये बता दूं कि यदि अंडर रूट के अंदर स्क्वायर हो, जैसा अंडर रूट के अंदर 100 हुआ, तो बाहर निकलने पर क्या बना, बाहर निकलने पर बना 10। जितने जीरो हों सारी जीरो बाहर निकल जाती हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, ये 4 जुगत हुआ प्लस ये रूट 44 भी जुगत हुआ प्लस 4 जीरो, तो 2 जीरो बाहर निकल गया, 100 बाहर निकल गया। यदि 6 जीरो होती तो 3 जीरो बाहर निकलती, यहाँ 4 जीरो हैं तो 2 जीरो बाहर निकली, ये 4 प्लस रूट 100 में 44 जुड़ा तो 144 आ गया। 144 कहीं का वर्ग, 12 का वर्ग, 12 144 होते हैं, तो 4 प्लस 12 आ गया, 12 4 में जुड़ा क्या बना, 12 4 में जुड़ा बना 16, 16 कहीं का वर्ग 4 का, 4 चौक 16, ये बन गया 16, यह आंसर आ गया इसका 4। इसका कोई सा पार्ट सही नहीं है, देखो यहाँ से एक बार और देखो, ये 100 निकला, ये 44 आ गया, ये इसका बन गया 12 का, 12 144, ये 12 बाहर निकल गया, ये 4 के साथ मिला 12 4 16 वा, और 16 का लिख दिया मैं 4 चौक 16, ये इसको 8 को 4 का लिख दो, तो इसका बी पार्ट सही है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, जो बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 8 रूट, अब इसमें कोई देखो चारा नहीं है कि भाई क्या इसका वो होना चाहिए हल, देखो ध्यान से, 7 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3, ये होल स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, फिर ये माइनस का रूट 3 जो का तो हो प्लस रूट 3 प्लस 8, ये क्या बना यहाँ से, यहाँ तक 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिखा, 3 को रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 रूट 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्वेश्चन सब 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड के होते हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम का बहुत महत्व है, क्वेश्चन तो सभी पल करने आते हैं, पर इसका कोई टाइमिंग होता कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन करते जा रहे हैं क्वेश्चन 10 मिनट में हल हुआ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर आया, रूट 3 प्लस ये स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म हो गया, तो 8 2 प्लस रूट 3 आया, माइनस रूट 3 प्लस थ्री प्लस 8 दुनी 16 प्लस 8 रूट 3, यहाँ पर आने के बाद फिर होल स्क्वायर बना। अब कहीं का होल स्क्वायर बनेगा, ये देखो ध्यान से, माइनस रूट 3 प्लस रूट 16 को तो 4 का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस इधर रूट 3 का होल स्क्वायर लिख दिया,
प्लस दो चार रूट थ्री, 2ab, देखो 4 × 2 = 8, रूट थ्री आ, ये 3 बना, ये 4 बना, 4 × 2 = 16, ये जगह थोड़ी रहेगी। हमने सोचा क्वेश्चन छोटा है, इस छोटे क्वेश्चन को देखते हुए, क्वेश्चन तो छोटा ही है परंतु ये समझाने के उद्देश्य से कुछ बड़ा हो गया। माइनस के रूट थ्री आया, प्लस ये क्या बना, रूट फोर प्लस रूट थ्री का ये होल स्क्वायर आया, रूट माइनस रूट थ्री प्लस स्क्वायर से इसका अंडर रूट कैंसिल हुआ तो 4 + √3 आया, इस रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हुआ तो क्या बचा, 4, और 4 का रूट बाहर आ गया, 2 बना। कौन सा कुछ आंसर सही है, बी पार्ट इसका सही है। बस ये होल स्क्वायर बनाने की दिक्कत है इसमें, जो होल स्क्वायर बनाना आना चाहिए कि भाई 7 को हम 4 + 3 लिख देंगे, 4 को 2 का स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर नहीं बनता उस पर रूट लगा के स्क्वायर लिख दो। अब देखो ध्यान से, यदि कोई संख्या बाहर निकल दिए रूट से तो इसका पॉइंट एक कम हो जाता है, जैसे ये 0.1 है, 0.01, तो बाहर निकलने के बाद ये क्या बनेगा, 0.1 प्लस 81 है, ये कहीं का वर्गमूल है, 9 का 9 = 81, ये पॉइंट 9 हो गया। ये 121 है, ये कहीं का स्क्वायर 11 का 11 = 121, तो 1.1 हो गया। यानी कि पॉइंट अपने से दाई ओर खिसक जाती है एक अंक वर्गमूल से बाहर निकल कर, प्लस ये 9 है, 9 का बन गया 3, कितने अंक पर, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर लगा कर 2 अंक बन गए। और अभी ना जोड़ो, जोड़ो किस प्रकार, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, ये लिखा 0.9, 1.1, 0.03, 3, 9, 10, 11, 1, 1, 2, 2.13, ये कहें कौन सा पार्ट सही आया, इसका पार्ट बी पार्ट सही आया। क्वेश्चन अगला, ये एंड पर जा करनी, इससे आगे करनी है कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं क्वेश्चन है करने के, हाँ क्वेश्चन करने के, और ये 324 है, ये 324 को हमने यहाँ पर रखा, 2 = 2, 2 = 12, 2 × 2 = 4, फिर इसके बाद 2 × 8 = 16, 2 = 2, अब ये 81 बना, 81 कहीं से कटेगा, 81 कटेगा 900, 3 × 8 = 3, 2 = 6, 3 × 21, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 9, ये कितने पेयर बने, ये 2 × 2 × 3 × 3, गुना 3 × 3, 1728 है, इसको भी रखो, ये लंबा है इसका, इसका लंबा ना मतलब क्या है, इसको दूसरे पेज पर करते हैं हम, 1728, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 2, 2 × 6 = 12, फिर 2 से करा, 2 × 2 = 2, एक उतार लिया, एक पर मारनी नहीं चलती तो ना जाने की 0, 2 × 8 = 16, फिर 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, फिर 2 से 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 14, आगे 2 से कटना बंद हो गया, फिर 3 से करा, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 आ गया, तो इसके कितने पेड़ आए, इसके पेड़ आए प्लस ये घनमूल 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 वर्गमूल होगा तो जोड़े बनेंगे, 2 2 के, एक ये जोड़ा बना, एक ये बना, एक ये बना। घनमूल है तो जोड़े 3 3 बने, एक जोड़ा 3 का ही बना, 3 का जोड़ा ही बना, 3 का जोड़ा,
संख्या बाहर निकल जाएगी। देखो इसमें से बाहर निकला 2 × 3 × 3 प्लस इनमें बाहर निकला 2 × 2 × 3 3 × 3 = 9 = 18 ये बना 2 × 2 = 4 = 12 और 12 × 18 में जुड़ा ये बनेगा 30। ये आंसर आएगा 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये 8 है, 8 को क्या करेंगे हम, 8 टुकड़े करो 8 के, 2 × 4 × 8 माइनस 4 के टुकड़े करो 2 × 4 और माइनस √2। इसमें से एक संख्या बाहर निकली जोड़े में से, 2 तो √2 आ गया, ये जोड़ा बना 2 होगा बाहर निकल गया, माइनस 2 आ गया, माइनस के √2 आ गया, 2 √2 में से √2 माइनस के गए। देखो ऐसा होता है, यदि 5 √x और माइनस के √x है तो √x सेम रहेगा, 5 में से एक गया 4 √x आ गया। अंदर का कुछ ना जुड़ता ना घटता, सिर्फ सामने की संख्या ही जुड़ती और घटती हैं। 2 √2 में से √2 माइनस का गया तो यहाँ √2 बचा और माइनस के 2 बचा। ये पार्ट इसका बी पार्ट सही है। क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन ये अगली वीडियो में होगा, ये काफ़ी हो गया तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में काफ़ी आया होगा, बस ध्यान कहीं का रखना, ध्यान सिर्फ टाइम का रखना कि भाई टाइम का ध्यान रखना चाहिए। और मैथ क्या चाहता है, मैथ प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस होगी तो मैथ क्लियर होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैथ क्लियर नहीं होगा, चाहे फॉर्मूले कैसे क्लियर हो। मैथ क्लियर जब भी होता है जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आओगा तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।